नमस्ते दोस्तों, स्वागत है दीदी की रेसिपी में। तो बन रहा है पिज्जा, तो वीडियो पूरा देखना। पिज्जा बनाने के लिए मैंने देखिए ओरिगैनो लिया है, चिली फ्लेक्स ली है और पनीर लिया है, काली मिर्च ली है, टमाटर लिए हैं, कैप्सिकम, ऑनियन और ये मैंने कॉर्न लिए हैं। और यहाँ पे मैंने पिज्जा बेस लिया है, रेडीमेड पिज्जा बेस है। और मैंने यहाँ पे सेजवान चटनी ली, आप कोई भी चटनी ले सकते हैं, मतलब पिज्जा सॉस ले सकते हैं। और यहीं पे मैंने चीज लिया है। तो चलिए फटाफट पिज्जा बना लेते हैं। तो तवे को मुझे फ्री हीट करना है 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, पिज्जा बेस को ऐसे फोक कर देना है थोड़ा थोड़ा। अब इस पे हम लगाएंगे सॉस, मैंने यहाँ पे सेजवान सॉस लिया है। तो इस पिज्जा बेस पे मैं चटनी लगा ले रही हूँ। तो ये देखिए मैंने चटनी लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, इसी पे मैं ये चीज स्प्रिंकल कर दे रही हूँ, फैला दे रही हूँ चीज। सबसे पहले पिज्जा सजाना सबको बहुत अच्छा लगता है। तो यहीं पे मैं कैप्सिकम ले रही हूँ। तो अपने हिसाब से इसे सजा लेना है। और प्याज की स्लाइसेस, देखिए अभी से ही अपना पिज्जा कितना बढ़िया लगने लगा है। तो यहीं पे मैंने कुछ पनीर के टुकड़े डाल दिए हैं इसके ऊपर। वाव, तो ये देखिए पिज्जा बेस हमारा रेडी हो चुका है सच के। तो यहीं पे मैं काली मिर्च थोड़ी डाल दे रही हूँ और बॉइल्ड कॉर्न ये डाल देना है, है बॉइल भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। और मैं यहाँ पे ओरिगैनो डाल दे रही हूँ, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देते हैं और ये बचा हुआ चीज इसके ऊपर डाल देना है। तो चलिए अब इसे बेक कर लेते हैं। ये मैंने इस प्लेट में इसे ट्रांसफर कर ले रही हूँ। तो अब इसे मैं तवे पे रखूंगी। सो फ्रेंड्स, इसी तवे पे मैं इसे रख दे रही हूँ बेक होने के लिए। तो पिज्जा बेस के साइड साइड में हल्का हल्का सा हमें तेल लगा देना है, कोई भी रिफाइंड ऑयल लगा देना है। तो अब हम इसे ढक देते हैं, पकाएंगे इसे 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। मिनट हो गए हैं तो हमारा पिज्जा पक के रेडी हो चुका है। तो ये हमारा मार्केट जैसा पिज्जा रेडी हो चुका है। हम इसे काट रहे हैं, टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना है। तो ये हमारा पिज्जा कट चुका है। तो ये देखिए पिज्जा हमारा मार्केट जैसा रेडी हो चुका है। तो खाया जाए। तो ये देखिए पिज्जा मार्केट जैसा हमारा रेडी हो चुका है। तो दिखाइए थोड़ा पिज्जा घुमा के। तो ये देखिए चीज भी अच्छे से मेल्ट हो गई है, खा के बताएंगे। एम टेस्टी बनना है।